यहाँ पर ऋतुराज चैप्टर के प्रश्न और उत्तर लिखे आए हैं। ऋतुराज में हमारे जो टॉपिक था कविता का वो थी कन्यादान। ठीक है, इसके प्रश्न उत्तर आपके सामने हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? इसका आंसर है, माँ के इन शब्दों में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। नारी में ही कोमलता, सुंदरता, शालीनता, सहन शक्ति, माधुर्य, ममता आदि गुण अधिकता से होते हैं। ये गुण ही परिवार को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए माँ ने कहा है उसका लड़की होना आवश्यक है। उसमें आज की सामाजिक स्थितियों का सामना करने का साहस होना चाहिए। उसमें सहजता और सचेतता के गुण होने चाहिए। उसे दब्बू और डरपोक नहीं होना चाहिए। इसलिए उसे लड़की जैसी दिखाई नहीं देना चाहिए ताकि कोई सरलता से उसे डरा धमका न सके। अगला प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसका क है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इसका उत्तर है, इन पंक्तियों में समाज की पुत्र वधु को जलाकर मार देने के घिनौने कृत्य की ओर संकेत किया गया है। मांगे पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोग अपनी पुत्र वधु को जलाकर मार देने का घिनौना कृत्य कर देते हैं। इसका खास प्रश्न है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? उत्तर है, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि कहीं उसकी बेटी समाज में व्याप्त अत्याचारों की शिकार न बन जाए। माँ स्वयं अत्याचारों के सत्य की प्रमाण है। माँ यह नहीं चाहती थी उसकी बेटी दुर्दिन देखे। माँ ने अपनी लड़की को लड़की बनकर रहने की बजाय शक्तिपूर्वक अत्याचार का मुकाबला करने का सुझाव दिया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। पाठी खाती व धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इसका उत्तर है, यहाँ लड़की के परिपक्व न होने, विवाह सुख की अस्पष्ट जानकारी होने तथा वैवाहिक जीवन के अस्पष्ट से प्रकाश एवं कल्पनाओं का पता चलता है। वह तुकों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों के समान विवाह के काल्पनिक सुखों में जीती है। इन पंक्तियों को पढ़कर अत्याचार की शिकार लड़की का दुखद रूप उभर कर सामने आता है। लड़की समाज द्वारा बनाई गई विभिन्न कुरीतियों की शिकार बन जाती है। प्रश्न नंबर 4। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? उत्तर है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी लग रही थी क्योंकि माँ अपने जीवन के संपूर्ण संस्कारों को उसमें भर देती है। बेटी माँ की ही छवि होती है। माँ अपने सुख दुख को बेटी के साथ मिलकर ही बांटती थी। इसलिए उसे अपनी बेटी कन्यादान करते समय अंतिम पूंजी लग रही थी। अगला प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर है, माँ ने बेटी को सीख देते हुए कहा कि उसे कभी अपनी सुंदरता और प्रशंसा पर नहीं रिझना चाहिए क्योंकि वह उसकी कमजोरी बन जाएगी और दूसरे उसका लाभ उठाएंगे। माँ ने उसे यह भी शिक्षा दी कि उसे घर के सभी कार्य करने चाहिए, दूसरों को सहयोग भी देना चाहिए किंतु अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। माँ ने बेटी को समझाते हुए कहा कि वस्त्रों व आभूषणों के बदले में अपनी स्वतंत्रता का गला नहीं घोटना चाहिए, अपने व्यक्तित्व की पहचान सदा बनाकर रखनी चाहिए। कभी भी अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट नहीं करना जाए करना जिससे कि लोग उसका गलत ढंग से लाभ उठाएं। यह आपके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं।